टेंशन थोड़ा सा हार्ड है बट थोड़ा सॉफ्ट हो जाता तो ज़्यादा बढ़िया लगता है ये, ऐसे और कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेंडली में गाड़ी एकदम सही है। सभी दर्शकों को नमस्कार, आज हम बात करेंगे 2021 BMW X1 के बारे में और ये रही इस गाड़ी की चाबी जहाँ आपको मिलते हैं अनलॉक। BMW का लोगो यहाँ पे आपको मिलता है लॉक और ये आप प्रेस करोगे तो ये टेलगेट खुल जाएगा और ये ऐसा कुछ बटन नहीं, यहाँ पे डमी बटन दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल्ड BMW का किडनी ग्रिल आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। बोनेट आपको BMW का नोज़ लोगो मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और ये पैसिफिक ब्लू कलर आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते थे, आपको BMW की LED हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे आपको ये फ्लोटिंग इंडिकेटर ऑब्वियसली नहीं है, ये आपको जस्ट ब्लिंक करेंगे। यहाँ पे आपको DRLs देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको LED में फॉग लैंप देखने को मिल जाते हैं और ये ऐसा यहाँ पे एक स्पेस दिया गया जो डायरेक्टली आपके टायर की तरफ जाता है और फ्रंट में आपको नीचे यहाँ पे स्किड प्लेट देखने को मिल जाते हैं। टायर साइज़ की बात करें तो आपको यहाँ पे 17 इंच के टायर देखने को मिल जाते हैं, किधर गया, 225/55R17। हालांकि जो एम स्पोर्ट रहता है उसमें 18 इंच के आपको देखने को टायर मिलते हैं बट इसमें आपको 17 इंच देखने को मिलते हैं। ये एम स्पोर्ट मॉडल नहीं है, नीचे में आपको वहाँ साइड स्किड प्लेट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ फ्लोटिंग फिर से यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, आपको बेसिकली साइड इंडिकेटर ओवर व्यू प्लेस है बट ये फ्लोटिंग में नहीं आपको देखने को मिलते हैं। और डोर की बात करोगे तो यहाँ पे कुछ भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलता, आप उधर बात करो चाहे इधर बात करो आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। गाड़ी जब आपकी अनलॉक रहेगी आप फ्यूल इजीली ओपन कर पाओगे, यहाँ पे आप डीजल भर सकते हो, 51 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। यहाँ पे एड ब्लू टैंक या फिर यूरिया जो भी आप बोलते हो। तो पीछे के कुछ लुक की बात करें तो इस तरह का आपको पीछे का कुछ लुक देखने को मिल जाता है जहाँ पे आपको ये जो टेल लैंप है ऑब्वियसली थोड़े से चेंज किए गए हैं। पहले BMW में थोड़ा XL शेप का आता था वो कुछ खास नहीं लगता बट अब ये थोड़ा BMW का चेंज हुआ है तो अच्छा देखने में लगता है। यहाँ पे एस ड्राइव 20D X1 की आपको यहाँ पे बैचिंग रखी गई है, यहाँ पे पीछे भी आपको BMW का लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डिफॉगर वाइपर रूफ माउंटेड लैम्प देखने को मिल जाता है शाफिन एंटीना के साथ विथ रूफ रेल्स। एक चीज़ आपको देखने को अभी नहीं मिलेगी वो आपको अंदर जाके दिखाऊंगा और यहाँ पे डुअल एग्जॉस्ट देख सकते हो विथ स्किड प्लेट यहाँ पे। हालांकि ये जो दो हैं इसमें से प्रॉपर दोनों में से गैसेस बाहर आती हैं प्रॉपरली और यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा रखा गया है। फटाफट बूट खोल के बात कर लेते हैं, प्रेस करें बटन को आपकी बूट खुल जाएगी। हालांकि ये ऑटोमेटिक नहीं है, आपको जस्ट हाथ से ही खोलना पड़ेगा। तो 505 लीटर का आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको लाइटनिंग दी गई है, कुछ भी अंधेरे में आप सामान वगैरह निकालते हो तो प्रॉपर है। और इससे बात करोगे तो टायर साइज ऑब्वियसली 1 इंच छोटे हैं यानी 16 इंच के आपको यहाँ पर टायर देखने को मिलते हैं। ये आपको अलॉय में नहीं है, ये आपको नॉर्मल स्टील में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे टूल किट से यहाँ पे वो ट्रायंगल वाला जो साइन आता है और जैसे आपको ये पकड़ के बंद करना पड़ेगा, कोई भी आपको बटन एक्सेस देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे। 2021 BMW में अभी क्या हो गया है कि जो रियर व्हील ड्राइव हट चुकी है, अब सिर्फ ये फ्रंट व्हील के साथ आ रही है और आगे पीछे आपको दोनों चक्कों में डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। ये है 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन 4 सिलेंडर जो कि आपको निकालता है 190 PS की पावर और 400 Nm ऑफ टॉर्क है। यहाँ पे इंसुलेशन देख सकते हो और यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट है, काफ़ी नीटली पैक किया गया इंजन को और बंद करना ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई बहुत हैवी भी नहीं है। इसे प्रेस करो और ये आसानी से बंद हो जाएगी। यहाँ पे ये मेरी दोस्त की कार है और ये ऋषभ से मिली आप लोग, सो ये इसकी गाड़ी है। तो भाई बताया कि इस रेंज में जैसे तूने क्या गाड़ी ली, 36 से 48 कितनी की पड़ी थी ये गाड़ी? गाड़ी मुझे 43 लाख कुछ की पड़ी, 43 लाख की गाड़ी पड़ी थी। तो तुम्हारा मन ऐसा नहीं बना कि फॉर्चूनर ले लेते या फिर एंडेवर इस रेंज में आती है? जैसे इस कार में क्या है ना कि फॉर्चूनर जैसे प्योर SUV हो गया और इस गाड़ी में अगर किसी को लग्जरियस का फील चाहिए, छोटा थोड़ा प्यारा टाइप का SUV का फील चाहिए और जैसे कि थोड़ा सा आपको सेडान का भी थोड़ा फील मिल जाता है, अच्छा, तो उसके लिए गाड़ी परफेक्ट है। इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी आपको मिल जाता है, अच्छा, वो चीज़ तो भी मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा, फॉर्चूनर में जो कि नहीं मिलता और थोड़ा सा लग्जरियस फील बहुत अच्छा। एंडेवर तो ले सकते थे भाई, उसमें तो आती है, एंडेवर भी प्योर SUV हो जाता। अच्छा, मतलब तुम्हारा ऐसा था कि प्योर SUV लेनी है, एक ऐसा लुक भी बढ़िया लगे और एक SUV टाइप का फील आ जाए। तो भाई ऑडी Q3 ले ली। ऑडी Q3 वैसा, अच्छा भाई पहले तू ऑडी Q7 ऑन करता था ना? हाँ, पहले मैं ऑडी Q7 ऑन करता। अच्छा, तो सर्विस कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने उसको एक्सचेंज किया। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद ये गाड़ी ले ली। अच्छा, तो और ऐसा कुछ माइलेज वाइलेज में दिक्कत नहीं? माइलेज इसका आपको 15 का मिल जाता, माइलेज काफ़ी अच्छा। अच्छा, ऐसा कंप्लीट 20 किलोम करती है बट 15 का मिल जाता, अच्छा बढ़िया है। अच्छा, और यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प है। अच्छा, इस गाड़ी को लॉन्ग जर्नी तुम कितना लेके गए हो? तुम लॉन्ग जर्नी मैं इसको ज़्यादा तो नहीं लेके गया हूँ, फिर भी मैं यहाँ से जो एक बार की होती नहीं, जो एक बार बंदा अगर बैठता घर से और गाड़ी खींचे हुए ले जा रहा तो 500-600 किलोमीटर कभी ऐसा हुआ?
हाँ हुआ है, जब मैं इसको पटना लेके गया था। अच्छा, तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, अगर थोड़ा थोड़ा अगर इसके कॉन्स के बारे में हम बात करें तो इसमें हल्की सी अंदर आवाज़ आती है। अच्छा, हल्की फुल्की। मुझे किस टाइप की आवाज़ रहती है वो? जैसे जब इसके कुछ मुझे लगता है कि इसे टायर में हल्का प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आप थोड़ी ख़राब सड़कों पर चलेंगे तो इसमें। भाई टायर की तो ऐसे कुछ दिक्कत नहीं लगी, टायर तो काफ़ी मोटे फिगर की बात करें तो बढ़िया है। सस्पेंशन की मुझे अभी जब मैंने गाड़ी बैठा तो सस्पेंशन की थोड़ी दिक्कत लगी, थोड़ा स्टिफ सस्पेंशन है। स्टिफ है, इसी के चलते मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत। हाँ अच्छा, और आप बता रहे थे कि ये हॉर्न की आवाज़ केबिन तक फील होती है। हॉर्न की आवाज़, इसके इसमें एक कॉन्स और है कि जैसे फॉर्च्यूनर में क्या है कि हॉर्न की आवाज़ अंदर नहीं आती है। इसमें क्या होता है कि आपको हॉर्न की आवाज़ थोड़ी बहुत अंदर, ज़्यादा हल्की अंदर आ जाती है। गाड़ी थोड़ा सा छोटा है, कॉम्पैक्ट गाड़ी, इसके चलते इसका हॉर्न अंदर तक आ जाता है। अच्छा भाई, तो लुक के मामले में तुमने ये गाड़ी परचेज की है? लुक के मामले में बहुत अच्छा है, अगर आप सड़कों पे चलेंगे लोग पलट के। अच्छा, पलट के जरूर। एक भाई होता है कि एक लोगो ब्रांड है, ठीक है, BMW ब्रांड है, ब्रांड नेम है, एक इस पे बैठते के साथ, इस लोगों के साथ बैठते के साथ एक अपने आप में एटीट्यूड आ जाता है। तो एटीट्यूड के बारे में क्या है, कैसा एटीट्यूड आता है बताओ भाई? एटीट्यूड में मतलब लोग जब मुड़ के देखते हैं ना तो काफ़ी अच्छा फील होता है, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। पॉजिटिव वाइब, चलो भाई बढ़िया। और यहाँ पे आप रूफ रेल्स वगैरह देख सकते हो, और मैं जो पैनोरामिक सनरूफ के बारे में बता रहा था वो बेसिकली यहाँ पे है। ये देखो पैनोरामिक सनरूफ, यहाँ से आप इजीली ऑपरेट कर सकते हो। अभी थोड़ी बारिश आ रही है इसलिए मैं इसे खोल नहीं रहा। और एक ऐसी चीज़ है ना कि मतलब टिंटेड है थोड़े से, तो धूप प्रॉपरली अंदर नहीं आती, हल्की हल्की मीठी मीठी धूप अंदर आती है, जो कि बढ़िया भी है। यहाँ पे सारे लाइट्स वगैरह के कंट्रोल आप यहाँ पे यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बात करें यहाँ वाइजर में तो आपको लाइट देखने को मिलती है यहाँ पे, और मिरर के साथ अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आपको लाइट और मिरर देखने को मिलेंगी। भाई ये बताओ कंफर्ट कैसा है गाड़ी का? गाड़ी में सबसे बड़ा प्रोज ये है कि गाड़ी को चलाने में बहुत अच्छा फील होता है। चलाने में? हाँ, चलाने में बहुत अच्छा फील होता है, आराम से इसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा सकते हो। कभी ऐसा हुआ कि थाई में पेन होने लगा या फिर बैक पेन होने लगा? इस गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छा जर्मन सेडान कार है, बहुत अच्छा है, सीवी फ्यूल का फील मिलता है, बहुत अच्छा कार है। अच्छा चल भाई, हल्का फुल्का कौन सा जिसको आप आराम से इग्नोर कर सकते हो? अच्छा मतलब इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो गाड़ी चलाएंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ फ्रंट डोर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको सॉफ्टेस्ट देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे वुडन फिनिश और सिल्वर कलर के डोर नॉब आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे लॉक और अनलॉक कर सकते हो आप गाड़ी को, ठीक है। यहाँ पे स्पीकर है, लेकिन स्पीकर यहाँ पे कोई भी ब्रांडिंग नहीं की गई एज सच। यहाँ पे सारे पावर विंडो कंट्रोल है, यहाँ पे आपको ओवर विंग के कंट्रोल यहाँ से आप फोल्ड वगैरह इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं यहाँ पे। और ये ऑटो डिमिंग ओवर वी एम है, और आई आर वी एम भी आपको ऑटो डिमिंग देखने को मिल जाता है। एक लीटर के स्पेस यहाँ पे रख सकते हो। सीटों की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक से एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन और डिक्लाइन यहाँ से कर सकते हैं, आगे पीछे यहाँ से कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर थाई सपोर्ट को थोड़ा अच्छा करना है तो इसे आप यहाँ पे यहाँ से कर सकते हैं, तो ये थाई सपोर्ट भी थोड़ा बढ़िया हो जाता है यहाँ पे। डेड पेडल की बात करें तो काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कभी होल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सारे लाइट्स के कंट्रोल है, यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पे आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सीवेंट देखने को मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको वुडन फिनिश और सिल्वर फिनिश यहाँ पे देखने को मिलती है। और बात करें बैठने में गाड़ी कैसी, तो बैठने में तो कंफर्टेबल है ही, अगर मेरी मानो तो। मेरी हाइट है 5'7" और अंदर थाई सपोर्ट भी बेस्ट है, और यहाँ पे डेड पेडल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और यहाँ पे एक्सलेटर हो गया, ये ब्रेक हो गया, यहाँ पेडल शिफ्टर है। हाँ सच, इसका कुछ यूज़ तो होता नहीं क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है, 80 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, सॉरी 80 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है यहाँ पे। और ये जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके डायल जो आते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे विजिबल होते हैं। अगर आप ड्राइविंग की बात करोगे, अगर कोई यहाँ बैठा हुआ है तो ईजिली डायल्स को अच्छी तरीके से देख पाता है। हालांकि जो ये जो स्पेस थोड़ा सा, इससे कुछ वार्निंग लाइट यहाँ पे आपके छिप जाते हैं। जैसे मैं आपको गाड़ी बंद करके दिखाता हूँ, जो भी वार्निंग लाइट आते हैं यहाँ से थोड़े बहुत ये छिप जाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये सॉफ्ट टच यहाँ पे भी स्टीयरिंग में भी है। यहाँ पे हॉर्न की बात करो, डिसेंटर तो केबिन में थोड़ी बहुत आती है, यहाँ से आप मोड्स वगैरह कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप जो भी म्यूज़िक के कंट्रोल वगैरह यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से कॉल रिसीव वगैरह कट कर सकते हो। यहाँ वॉइस कमांड जैसे फीचर है, क्रूज़ कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग है। पहले BMW X1 में क्या था, सिर्फ 2 एम्बिएंट लाइटिंग ऑप्शन थे, लेकिन अभी यहाँ पे देख सकते हो आप एम्बिएंट लाइटिंग, इसमें आप 6 कलर कर दिए गए हैं। और यहाँ पे भी इल्यूमिनेशन अच्छा खासा दिया गया है। और यहाँ पे बात करो तो सारे AC के कंट्रोल है, और ये शायद मैं समझ नहीं पा रही, ये सारे मोड के लिए करोगे तो ये मोड वगैरह खुद से एडजस्ट कर लेगी यहाँ पे। और यहाँ से आप जो म्यूज़िक वगैरह यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, ये पहले 6 इंच का आता था, अभी इसमें 8 इंच का कर दिया गया है। यहाँ से हजार लाइट के कंट्रोल हैं ये सारे। तो ये जो बटन्स हैं, ये बटन्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद होते हैं क्योंकि इजी टू एक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि इतना कोई टच करेगा उससे ज़्यादा बटन से ही ऑपरेट कुछ कुछ चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया ऑटोमेटिक है ये, और यहाँ से आप सनरूफ खोल सकते हो। और ये देखो आप पैनोरामिक सनरूफ का मज़ा, ये होता है पैनोरामिक सनरूफ। आइए इसे बंद कर देते हैं। चलती गाड़ी में आप ना निकलें, खड़ी गाड़ी हो तो आप मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर है कि हर इंडियंस को ये पसंद आता है।
ठीक है, सनरूफ आज के टाइम एकदम हाईटेक हो चुका है। और यहाँ पे आपको वन टच विंडो मिल जाता है, मतलब एक टच करोगे तो विंडो डाउन हो जाएगी, एक टच करोगे तो ये विंडो ऊपर हो जाएंगे। यहाँ पे भी थोड़े सॉफ्ट टच आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे सारे आपको यहाँ पे कभी होल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे एक लीटर का, एक लीटर तो नहीं, यहाँ पे एस्ट्रे आपको दिया गया है। अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको एस्ट्रे दिया गया है, यहाँ पे सिगरेट लाइटर आपको यहाँ पे दिया गया है। और हालांकि जो ये स्टेयरिंग व्हील इसको थोड़ा सा और BMW का अच्छा कर देना चाहिए था, मतलब अगर ये नया पैटर्न का जो BMW X1 आ रही थी उसमें थोड़ा सा स्टेयरिंग व्हील भी चेंज कर देना चाहिए था। इस गाड़ी में सेफ्टी के मामले में आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल और चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर आते हैं इंजन इमोबिलाइजर के साथ। और ये स्टार्ट स्टॉप बटन है। और यहाँ पे सॉफ्ट टच है जो काफ़ी देखने में तो प्रीमियम है। यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग आप देख सकते हो। और ग्लव बॉक्स की साइज़ की बात करें तो ठीक ठाक है। यहाँ पे आपको कूल ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है और ये कुछ सामान वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। और भाई ऐसे बताओ कि जैसे तुमने गाड़ी चलाई, ठीक है, पीछे बैठने में गाड़ी कैसी है, कंफर्ट? पीछे भी काफ़ी अच्छा फील देती है, लेकिन मेन इस गाड़ी का है ना कि आगे ड्राइविंग में ही बहुत अच्छा लगता है। ड्राइविंग में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मतलब एक अलग सा फील आता है ड्राइव करने में। हाँ, आपने जैसे बताया लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं इसके। चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। और यहाँ पे आपने भगवान जी को यहाँ पे विराजमान कर रखा है। और एक चीज़ और है, हाँ बताइए, एक चीज़ और है कि इसमें BMW ने एक चीज़ नहीं बोला है, हाँ। जो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो ये हम पे जो ये लॉक है ना, ये थोड़ा सा आपको ओल्ड भाई, ये चीज ऐसी है ना कि बहुत लोगों को पसंद आती है, हाँ, लेकिन बहुत लोगों को पसंद नहीं आती ये चीज। बहुत लोग पसंद नहीं आते, लेकिन ये जर्मन कार है ना, तो इसलिए BMW ने सोचा कि हम पुराने जनरेशन को ना बोला। अच्छा, उसके चलते ये उन्होंने एक मतलब तरीका अपना, ठीक है ना, इसे इतनी इतनी अच्छी गाड़ी है, हाँ, तो उसमें एक चीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको स्पीकर्स भी काफी अच्छे मिलते हैं, प्रो लेवल के स्पीकर तो हम नहीं बोलेंगे, इसमें अगर जिस हिसाब से आपका प्राइसिंग करता है गाड़ी, 5 लाख 43 लाख, नहीं मैंने अभी गाने सुने तो ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बेस मारी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे प्रो लेवल का नहीं है, जैसे JBL हारमन में दे सकते हैं, हाँ, लेकिन नॉर्मल ठीक है ना, तो कोई दिक्कत, हाँ, नहीं। अब जो बहुत म्यूजिक शौक है वो आफ्टर मार्केट, हाँ, भी तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़े दाम लिए जा रहे, हाँ, तो थोड़ा इसको BMW ठीक कर, हाँ। और यहाँ से आप सारे टच वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे नेविगेशन है, लेकिन इसमें आपने बताया कि एप्पल कारप्ले नहीं है, तो वो आपको थोड़ा खटकता नहीं कि इतनी महंगी गाड़ी लेने के बाद एप्पल कारप्ले आना चाहिए था इसमें? थोड़ा सा है इस चीज़ का, लेकिन तब भी माइनस कर सकते हैं, कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई मुझे तो बड़ा परेशानी की इतनी महंगी गाड़ी में एप्पल कारप्ले नहीं आ रहे। और तो अभी एक रिवर्स का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, क्यों भाई आप मानते हो कि नहीं? मुझे तो नहीं लग रही है सच। हम कैमरा का क्वालिटी हम बोल सकते हैं उतनी प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम नहीं है, काम चलाओ है आपको दिख जाएगी नाइट। अच्छा, हल्की फुल्की प्रॉब्लम। और यहाँ पे आपको थोड़े बहुत स्पेस देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे स्पेस है। और यहाँ पे भी बात करोगे तो यहाँ पे स्पेस है, हालांकि ये चीज़ एडजस्टेबल है, आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, ये एडजस्टेबल नहीं है, बस यही खुला। अच्छा, बस ये खुला और इसके नीचे ऐसे आप ये थोड़ा बहुत कोई चीज़ बच्चों से चॉकलेट वगैरह छुपा सकते हो, है कि नहीं? और यहाँ पे आपको USB का पोर्ट दिया गया है और यहाँ पे थोड़ी सॉफ्ट टच है, रबराइज टाइप का यहाँ पे यूज़ किया गया है। एक चीज़ और नहीं दी गई है, जैसे कि यहाँ पे सन ब्लाइंडर नहीं दिए गए, जो ऐसे पर्दे उठते हैं वो चीज़ नहीं दी गई है, नहीं दी गई है, तो वो BMW X3 में मिलती है। अच्छा, नहीं मिलती। अगर 43 लाख की गाड़ी अगर आप इसमें आफ्टर मार्केट वो सन ब्लाइंडर चिपकाओगे तो बड़ा ऑड सा लगता है। हाँ, हालांकि ये शीशे थोड़े से टिंटेड हैं तो उतने धूप नहीं आते हैं ऐसे, लेकिन तभी गाड़ी को, हाँ, देना चाहिए था। आपकी हाइट की बात करूँ, कितनी आपकी हाइट? मेरी हाइट है 5'10" 5'9" ऐसे अप्रॉक्स, ठीक है। अब देख सको भाई, भाई BMW का तुम एकदम प्रमोशन ही कर दो तो देखिए भाई की अंदर थाई सपोर्ट भी बेस्ट है भाई, लंबर सपोर्ट कैसा ये वाला? हालांकि सीट थोड़े और अच्छे हो सकते थे, क्योंकि थोड़े से कुशन वाइज तो सही है, कुशन वाइज सही है, बट थोड़े से ये बकेट टाइप में और होते ना थोड़ी, ये यहाँ पे और निकले हुए, हाँ, तो ये बढ़िया है। बाकी लंबर सपोर्ट तो ओके, सीट कंफर्टेबिलिटी इसका बहुत अच्छा। इसमें आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा नहीं मिलता, तो वो भी चीज आपको जरूर खटकती होगी भाई, जैसे MG Hector ये सब में, हाँ, मतलब इससे कम रेंज की गाड़ी में आने लगे आपको 360 डिग्री, ऊपर से गाड़ी आपको दिखती है, तो वो थोड़ा ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी ठीक है, फील के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। और इसमें एक फीचर आता है वॉइस कमांड, जिसे मैं प्रेस करूं भी, हे BMW इंक्रीज फैन स्पीड। भाई इसका अलग ही सीन है, ये सुनती नहीं है। हे BMW ओपन सनरूफ। ये फीचर इसमें है नहीं, कोई ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है ऐसे, अभी क्या बोल के करने, इससे खुद ही ना कर लो हाथ से, है कि नहीं? हाँ, बोलना है क्या, खुद ही हाथ से कर लो, बच्चे लोग को ज्यादा अच्छा रहता है। हाँ बच्चे, अब बंद करो, यहाँ पे आपके सॉफ्ट इतनी फील नहीं होगी, तो आइए पीछे वाले सीटों में चलते हैं। पीछे दरवाजों की बात करते हो, वही आपको वही सॉफ्ट टच और वन टच पावर विंडो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सॉफ्ट टच एम्बिएंट लाइटिंग आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे स्पीकर दिए गए हैं और ये, और
गाड़ी जितने आगे से कंफर्टेबल थी पीछे भी कंफर्टेबल उतने ही है। यहाँ पे देखो जो ये सीट है मेरे हिसाब से एडजस्ट है, और नी रूम देखो आप कितना ज़्यादा बढ़िया मिल रहा है मुझे, अंदर थाई सपोर्ट बेस्ट है। बट भाई एक चीज़ आपने नोटिस की कि जो आगे की सीट है उससे ज़्यादा कंफर्टेबल पीछे की सीट है, ये आप मानते हो कि नहीं मानते? मुझे तो लग रहा पर्सनली आगे की सीट जैसे ड्राइविंग में तो हमें बहुत अच्छे लगे, अच्छा। कार को फील लगती है चलाने में ड्राइविंग सीट, वैसे फिर पीछे भी देखोगे तो वैसा कुछ बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, मतलब बैठने के हिसाब से बहुत अच्छा। जैसे ये जो चीज आपको दिया हुआ है थाई सपोर्ट के लिए, एकदम लग्जरियस फील देता है, लग्जरियस फील। जैसे इस पे प्रेस करोगे तो ये आपको खुल जाता है कप्स रखने के लिए, कप्स रखने के लिए। लेकिन ऐसा कोई यहाँ पे कोई यूज का नहीं है, अगर पेप्सी की बोतल होगी तो नहीं, छोटा मोटा हाफ एंड लीटर का, बट एक थोड़ा सा हाँ की हाँ है। और यहाँ बात करोगे तो यहाँ पे तीन हेडर्स मिल जाते हैं, हालांकि दो एडल्ट और एक बच्चे बीच में बैठ जाएंगे। हालांकि ये जो पैनल है आपको काफी हम काफी ऊपर है तो एक बच्चे ही यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ। और यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग जैसा मैंने बताया ये यहाँ पे जल रही है, यहाँ पे एसी वेंट देखने को मिलते हैं आपको, और यहाँ पे दो यूएसबी चार्जर देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा स्पेस है टाइप सी के, और यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस है। यहाँ पे मैगजीन होल्डर आपको देखने को मिलती है दोनों दरवाजों में, और ये पार्सल ट्रे शेल्फ काफी मतलब पीछे तक गया तो यहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये सीट बेल्ट जो प्लेस की गई यहाँ पे ये काफी बढ़िया है, मतलब आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे एक यहाँ पे जाएगा एक यहाँ पे, और जैसे आप छोड़ेंगे ये अपनी जगह पे एकदम वापस सही जाके, ठीक है? यहाँ से फिक्स यहाँ पे सीट है, और ये सीट 40-40-20 में स्प्लिट हो जाए ना। हाँ मतलब आगे आप अगर सोना भी चाहो इस कार में, हाँ, तो आप आराम से इसको एकदम आगे करके चादर उधर बिछा के आप सो सकते हैं। आपने तुम कभी सोए हो? नहीं, हमारे एक ड्राइवर रहते हैं तो हमेशा मतलब अगर, अच्छा, ये सीटों कैसे पीछे करके, हाँ, तो आगे करके वो आराम से, ये बड़ा सही फीचर है, मतलब सही है ना, अगर हो जा रहा है यहाँ पे सारे लाइट्स वगैरह के आपको कंट्रोल देखने को मिल जाता है। और लाइट्स की बात करें तो लाइट्स एक्चुअली में काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़िया है। एक चीज है जो यहाँ प्रीमियम गाड़ी में जो फील आती है वो इन सभी चीज से फील आती है, कि यहाँ पे लाइटिंग आप देख सकते हो, पाव के नीचे लाइट है, और यहाँ पे एसी वेंट आपको दिए गए क्योंकि पैरों में गर्मी ना लगे, उस साइड पे आपको देखने को मिलते हैं। भाई ये फीचर आपको कितना यूजफुल लगता है? ये फीचर काफ़ी अच्छा है, जैसे आप लॉन्ग जर्नी पे जाते हो तो अगर आपको पैरों में थोड़ी सी मतलब कि इचिंग उचिंग होती है, हाँ, थोड़ा सा खुजली उजली होती है, हाँ, तो काफ़ी अच्छी मतलब अगर पसीना उसीना पे आपके पैरों में ज़्यादा आता है चप्पल उप्पल पहनने के कारण, हाँ, या शूज़ पहनने के कारण, हाँ, ये एसी इवेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, एसी इवेंट्स हैं। और यहाँ पे आप कोट्स वगैरह यहाँ पे टांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको हुक वगैरह देखने को मिल जाते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें एडजस्ट कर ली, यहाँ पे आपको इको मोड और स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल बटन है, और ये गाड़ी अभी न्यूट्रल में इसे ड्राइव मोड में लाते हैं खींच के, ठीक है? और ये काफ़ी प्यारा लगता है, एकदम सॉफ्ट टच है यहाँ पे भी, और पकड़ने में ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों ऋषभ भाई? कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आइए अभी ड्राइव करके देखते हैं। अभी फिलहाल पहले नॉर्मल मोड में ही चलते हैं। और एक होता है जैसे मैंने फॉर्च्यूनर चलाई ना, उसमें क्या होता है ना ऋषभ कि जैसे ब्रेक आप छोड़ोगे ना तो उसमें क्या होता है कि गाड़ी अचानक पिक कर लेती है, बट इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें एकदम जेंटली धीरे धीरे आपकी होती है। और यहाँ पे आप वाइड एंगल देख सकते हो, जैसे इसमें जो गियर बॉक्स रहता है, हाँ, जैसे जर्मन काफी अच्छा फॉक्स वैगन का इसमें गियर बॉक्स दिया हुआ है, अच्छा, तो काफी इजीली इसमें शिफ्ट होता है, अच्छा, फॉर्च्यूनर हल्का लैग करता है इसमें। अच्छा भाई आप ये बता रहे कि जैसे हॉर्न मारी ये चीज केबिन में फील होती है ना, हल्का हल्का फील होती है इस केबिन में, अच्छा। अभी देखो ये मैंने वाइपर ऑटोमेटिक सेट कर दिया तो हल्के फुल्के बारिश के बूंद आ रही है तो ये अपने आप ये चीज चल जा रही, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आप बता रहे थे कि सस्पेंशन में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है गाड़ी की, सस्पेंशन में सच नहीं है लेकिन बस अंदर में हल्का आवाज टाइप आती है, तो वो तो अभी जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो ये थोड़ा बहुत खड़े हैं, रोड्स में आपको कोई दिक्कत नहीं है, प्लेन रोड में तो कोई दिक्कत नहीं कर रही गाड़ी यहाँ पे। भाई तुम जैसे बता रहे थे सस्पेंशन, तो मैंने सस्पेंशन चेक किए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी स्टिफ है, अगर आप हाई स्पीड पे गाड़ी को निकालते हो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ BMW का पहला है ना इसलिए थोड़ा। अच्छा भाई ये बताओ सर्विस कॉस्ट कितनी आती है गाड़ी की? सर्विस कॉस्ट आपको आ जाएगी लगभग 30,000 तक तो आ ही जाएगी, 30,000 मेरा सर्विस का। अच्छा अभी गाड़ी लिए कितने दिन हो गए भाई? ये गाड़ी लिए हुए मुझे 4.5 महीने हो गए। 4.5 मतलब हाल में गाड़ी ली? हाँ, हाल में चला ली गाड़ी मैंने 1600 किलोमीटर चली। 1600 किलोमीटर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम इसे स्पोर्ट मोड में चलाते हैं, तो जैसे स्पोर्ट्स मोड जाओगे एक सर्टेन RPM इंक्रीज होता है और गाड़ी एकदम बिंदास उठती है। स्टेबिलिटी वाइज बात करें तो कोई दिक्कत नहीं स्टेयरिंग में, हालांकि सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड है बट थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है तो ज़्यादा बढ़िया लगता है, ऐसा और कोई दिक्कत नहीं है। हैंडलिंग में गाड़ी एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इंजन की साउंड है ना वो गाड़ी में अब भी आती है, जैसे अगर हाई रेव करोगे तो थोड़ी इंजन नॉइज आपको जरूर आती है, क्यों ऋषभ भाई? थोड़ी सी आती है अभी गाड़ी को पंजे दाबे 2000 RPM, जैसे ही 2500 RPM गाड़ी क्रॉस करती है और देखो एकदम पिकअप फटाक से, तो ये बड़ा बढ़िया लगता है, एक नहीं भाई? तो अपने तरह भी भाई भी यूट्यूबर हैं, तो भाई क्या चैनल है भाई, नाम बता दो जरा। मेरा गेमिंग यूट्यूब चैनल, जिसको भी गेमिंग में अगर इंटरेस्ट हो तो ब्लैकबर्न गेमिंग आप चेक कर सकते हो, ब्लैकबर्न भाई, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाइक के दौरान हेलमेट का उपयोग जरूर करें, कार के समय सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।